आप सभी वाणिज्य अर्थात कॉमर्स के स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल वाणिज्य की पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेके आए हैं हम बीकॉम एंट्रेंस सीरीज में कंपनी अकाउंट्स रिलेटेड एमसीक्यू। इसके पहले के जो वीडियोस हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है, और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। ये किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में बीकॉम प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक कंपनी लाभांश दे सकती है। ऑप्शन अवेलेबल यहां पे है, अंशधारण खाते से, अंश प्रीमियम खाते से, पूंजी शोधन खाते से, सरकारी सहयोग राशि से। तो एक कंपनी लाभांश जो दे सकती है वो सरकारी सहयोग राशि से दे सकती है। इसका आंसर होगा सरकारी सहयोग राशि। क्वेश्चन नंबर टू, बकाया मांग खाता चिट्ठे में दिखाया जाता है। तो बकाया मांग खाता मतलब कार्यशील एरियर अकाउंट चिट्ठे में कहां दिखाया जाता है? देखा जाए तो कार्यशील एरियर अकाउंट चिट्ठे में कहीं नहीं दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ हानि दिखाया जाता है। तो कंपनी जो लाभ हानि अर्जित करती है उसको कहां दिखाते हैं? ऑप्शन अवेलेबल है, अंश पूंजी में जोड़कर या घटाकर, बी है संचय एवं आधिक्य में, सी है समान संचय में, और डी है चालू दायित्व में। तो कंपनी द्वारा अर्जित लाभ या हानि को संचय एवं आधिक्य खाते में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, वैधानिक रूप से कौन सा विवरण पत्र बनाना अनिवार्य नहीं है? तो देखा जाए तो जो अनिवार्य नहीं है विवरण पत्र वो है नगद प्रवाह विवरण, मतलब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए लाभ हानि खाता बनाना अनिवार्य होता है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना अनिवार्य होता है, चिट्ठा तो अनिवार्य होता ही है, लेकिन रोकड़ प्रवाह विवरण या नगद प्रवाह विवरण ये अनिवार्य नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा नगद प्रवाह विवरण। क्वेश्चन नंबर फाइव, कंपनी के चिट्ठे में संपत्तियां दिखाई जाती हैं। तो कंपनी के चिट्ठे में मतलब बैलेंस शीट में जो संपत्ति प्रॉपर्टी यानी असेट्स दिखाया जाता है वो किस फ्लो में दिखाया जाता है? स्थायित्व क्रम में है कि तरलता क्रम में है कि बिना क्रम के है कि बाजार मूल्य पे? तो इसको स्थायित्व क्रम में दिखाया जाता है। स्थायित्व का मतलब ये होता है पहले नॉन करेंट असेट को रखते हैं फिर करेंट असेट को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में से कौन सी मत चालू दायित्व नहीं है? तो ऑप्शन जो अवेलेबल है, अदत लाभांश चालू दायित्व होता है, देय बिल भी चालू दायित्व होता है, बैंक अधिविकर्ष भी चालू दायित्व होता है, अल्पमत अंशधारियों का हित ये चालू दायित्व नहीं होगा, मतलब करंट लायबिलिटीज को हम नहीं मानेंगे, यानी इसका आंसर होगा अल्पमत अंशधारियों का हित। क्वेश्चन नंबर सेवन, कंपनी के चिट्ठे का संपत्ति में क्रम होगा, मतलब कुछ संपत्तियां दी गई है यहाँ पे, जैसे एक दो तीन चार संपत्ति है, वो पूछा है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट होता है उसमें किस क्रम में इनको रखा जाएगा? तो देखा जाए तो पहले नंबर पे स्थायी संपत्ति को रखा जाएगा, दूसरे नंबर पे विनियोग को रखा जाएगा, तीसरे नंबर पे चालू संपत्ति को रखा जाएगा, और चौथे नंबर पे रखा जाएगा विविध व्यय को। यानी जो क्रम इनका होगा वो होगा पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। अब इसमें ऑप्शन देखिए दिया गया है कहां पे है, ये पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक तीन दो चार। इसका मतलब पहले नंबर पे स्थायी संपत्ति होगी, दूसरे नंबर पे होगी विनियोग, तीसरे नंबर पे होगी चालू संपत्तियां एवं ऋण, चौथे नंबर पे विविध व्यय। यानी यहां पे देखिए एक तीन दो चार का मतलब ये हुआ कि पहले नंबर पे क्या दिया है, स्थायी संपत्ति, दूसरा विनियोग लेना है लेकिन इसका नंबर क्या है, तीन है, इसलिए तीन यहां पे लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे लेना है चालू संपत्ति, इसका नंबर दो है, और चौथे नंबर पे विविध व्यय को लेना है, चौथा नंबर ये है। तो यहां पे इसका आंसर होगा एक तीन दो चार। क्वेश्चन नंबर आठ, कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में संचय एवं आधिक के अंतर्गत कौन सी मदों को दिखाया जाता है? यहां जो मद लिखा गया है कुछ ये दिया गया है चार, अंश प्रीमियम खाता, प्रस्तावित लाभांश, पूंजी शोधन संचय, लाभ हानि खाते का शेष। तो देखा जाए तो संचय एवं आधिक पक्ष में केवल यही तीन दिखाया जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब इसका आंसर होगा बी, एक दो तीन, ये चौथे को नहीं दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, कर आयोजन को चिट्ठे में किस शीर्षक में दिखाया जाता है? तो टैक्स प्रोविजन को चिट्ठे में करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, मतलब चालू दायित्व एवं आयोजन शीर्षक में दिखाया जाता है। इसका आंसर होगा चालू दायित्व एवं आयोजन। क्वेश्चन नंबर टेन, निर्माण कार्य हेतु उधार ली गई राशि का ब्याज दिखाया जाता है।
मतलब जब हम निर्माण के लिए लोन लेते हैं तो उस पर जो ब्याज देना होता है तो उसको कहां दिखाते हैं, उसको हम संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। इसका आंसर होगा संपत्ति पक्ष। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ही बना हुआ है। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।